So we'll start with a very very quick revision of radioactivity and law of radioactive decay, क्योंकि आज के जो टॉपिक है, they are connected with those topics. So if you remember, हमने कल radioactivity start किया था, and I will just go through very basic things, very fundamental things. तो अगर आपको याद होगा, heavier elements के जो nucleus होते हैं, heavier elements, I mean जिनका z value greater than 82 होता है, लाइक यूरेनियम, लाइक थोरियम, लाइक रेडियम, दे आर अनस्टेबल. तो टू अचीव स्टेबिलिटी, दिस हेवी न्यूक्लियाई, दे इमिट सम रेडिएशंस. पहले हमें ऐसा लगा कि सिर्फ रेडिएशंस है, बट लेटर ऑन वी न्यू दैट दे ऑल्सो इमिट पार्टिकल्स. सो ईच टाइम व्हेन दिस अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियाई इमिट सम रेडिएशन, इट इज सेड टू अंडरगो डीके. तो तीन टाइप के डीके होते हैं. वन इज अल्फा डीके, एंड इन अल्फा डीके, सॉरी नॉट अल्फा डीके, पहला मैं गामा से स्टार्ट करता हूँ. ऑफ कोर्स देयर इज अल्फा डीके, बट गामा डीके इज इमिशन ऑफ एनर्जी, प्योरली एनर्जी. सो यू हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई, दे आर अनस्टेबल, मतलब दे वॉन्ट टू अचीव स्टेबिलिटी. टू अचीव स्टेबिलिटी दे इमिट रेडिएशन और पार्टिकल. दैन वेन एवर अ न्यूक्लियस emits radiation, it is said to undergo decay, it is said to undergo disintegration. Disintegration, integration is bringing together, disintegration is splitting up. तो यहाँ पे disintegration होगा, तो उसमें पहला type है gamma decay, जिसमें सिर्फ energy emit होता है. Then you have next type which is alpha decay. So when alpha decay occurs, it basically emits nucleus of हीलियम एटम. उसके बाद था बीटा डीके. बीटा डीके में देन यू हैव फर्दर टू टाइप्स. इन बीटा डीके यू हैव बीटा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन, एंड बीटा प्लस, मतलब पॉजिट्रॉन का इमिशन. राइट, पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हैज चार्ज ऑफ प्लस ई बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज नॉट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग होता है. तो पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल विथ पॉजिटिव ई चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ डीके एज यू नो. देन इफ यू रिमेम्बर, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, द फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग एंड इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. तो जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डीके होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स न्यूक्लियस था जो अनस्टेबल था, उसका प्रोटॉन नंबर जेड है, उसका मास नंबर ए है, ये अनस्टेबल है, तो ये डीके होगा. जब ये डीके होगा, तो इन दैट केस इट मे बी कन्वर्टेड इनटू न्यू न्यूक्लियाई. क्यों? क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन नंबर होता है 2, तो प्रोटॉन नंबर विल बी हियर लेस देन 2. एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब अल्फा डीके होगा उसका, तो दो प्रोटॉन यहां से इमिट हो जाएंगे. दो प्रोटॉन इमिट होंगे, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका प्रोटॉन नंबर विल बी जेड माइनस 2, एंड आल्सो मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4, तो इसका मास नंबर आएगा ए माइनस 4. ये जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई था, इसको आप बोलते हो पैरेंट न्यूक्लियाई. और ये जो दिस आफ्टर डीके इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई. अब डॉटर न्यूक्लियाई मे और मे नॉट बी स्टेबल. स्टेबल है तो डीके वहीं रुक जाएगा, नहीं है तो फिर वापस से डीके होता रहेगा. कब तक होगा? जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक. गुड. सो नाउ द क्वेश्चन वॉज, लेट अस से कि हमारे पास वी हैव सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब हमारे पास सम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है. एंड वी वॉन्टेड टू नो कि एक सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में, हाउ मेनी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विल डीके. मतलब एक सेकेंड में कितने पेरेंट न्यूक्लियाई का कन्वर्जन होगा डॉटर में. क्योंकि ऑफकोर्स वॉट इज हैपनिंग, आपके पास ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, देन डीके होने के बाद, मतलब इन सम टाइम कुछ पेरेंट न्यूक्लियाई का कन्वर्जन होगा डॉटर में. सम ऑफ देम आर गेटिंग कन्वर्टेड, एंड देन यू विल सी सारे के सारे क्यों नहीं, क्योंकि वी डोंट नो कि सब के सब एक साथ बने थे क्या.
हो सकता है और ऐसा नॉर्मली होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूरेनियम, तो यूरेनियम पूरा का पूरा यूरेनियम एक साथ बनेगा क्या? नहीं, अगर एक साथ बना होता तो अभी मिलता क्यों? फिर एक साथ डीके भी हो गया होता, राइट? गुड. तो विच मीन्स कि सारे के सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस एक साथ नहीं बने थे. तो फिर व्हाट इज हैपनिंग, एक साथ नहीं बने थे तो एक साथ डीके भी नहीं होंगे. सम विल डीके अर्ली, सम विल डीके आफ्टर सम टाइम, सम मे डीके आफ्टर ईयर फ्रॉम नाउ. गुड. हमें यह देखना था कि एक सेकेंड में कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे आर अंडरगोइंग डीके. सो फॉर दैट वी वेंट थ्रू समथिंग कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके लॉ. इट टेल्स यू द रेट ऑफ डीके, मतलब द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस इंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनचेंज न्यूक्लियाई, मतलब नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई. मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था आपको. मैंने बोला था लेट अस टेक टू बॉक्सेस, दोनों में हमने रख दिया यूरेनियम, एक में 10,000 न्यूक्लियस है और एक में 1,000 न्यूक्लियस है. लेट अस से कि एक सेकेंड में दोनों का 5-5% डीके हो रहा है, 5-5%. तो जो बॉक्स वन है जिसमें 10,000 न्यूक्लियर है उसका 5% होता है 500. तो उसका एक सेकेंड में 500 न्यूक्लियर डीके हो गया, जिसमें 1,000 थे उसका एक सेकेंड में 50 न्यूक्लियर डीके हुआ है. तो जितना ज्यादा सब्सटेंस रहेगा, कौन सा सब्सटेंस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब कौन सा पैरेंट, मतलब कौन सा अनचेंज, मतलब कौन सा ओरिजिनल. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द अनचेंज्ड और ओरिजिनल और पैरेंट न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे अभी 10,000 में से 500 गए तो 9,500 बचे, 9,500. अब इसका डीके कितना होगा? वापस इसका 5%. और वहां पे कितने बचे थे? 1,000 में से 50 गए तो 950, उसका कितना डीके होगा? वापस 5% ऑफ 950. तो जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा डीके होगा. दिस इज व्हाट इट टेल्स यू. तो अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है तो यू राइट डाउन डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैमड़ा एन, वेयर लैमड़ा इज कॉल्ड एज डीके कॉन्स्टेंट और डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. और हमने लिखा था यहाँ पे माइनस साइन. वाई माइनस? बिकॉज ओरिजिनल ओरिजिनल जो न्यूक्लिया है वो कम होते जा रहे हैं, राइट? दैट इज वाई नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ओरिजिनल न्यूक्लिया और द रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया दे आर डिक्रीजिंग विथ टाइम. देन आई टोल्ड यू कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि दो ही वेरिएबल है, लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है, वो तो वेरिएबल हो नहीं सकता. एन इज द नंबर विच इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, विथ टाइम टाइम इज ऑल्सो चेंजिंग एंड एन इज ऑल्सो चेंजिंग. तो यहाँ पे हम सेफली हम डायरेक्टली एन को एक साइड पे और टी को एक साइड पे लिख सकते हैं. तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एक बार आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, द नेक्स्ट थिंग इज टू इंटीग्रेट. और क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस लैम्डा टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और जब फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन यूज करते हो तो जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं दे आर नॉर्मली टू बी डिटरमाइंड बाय बाउंड्री कंडीशंस या फिर इनिशियल कंडीशंस. इनिशियल कंडीशंस लेट अस से एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी था एन जीरो. नोटेशन तो नोटेशन है, आपको जो कुछ और बोलना है आप बोल दो, एन आए क्या फर्क पड़ता है. तो आई विल कॉल दिस एज एन जीरो. तो देयरफॉर इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू एन जीरो तो आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ एन जीरो माइनस लैम्डा इनटू जीरो प्लस सी. यहां से आपको मिल गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एज नेचुरल लॉग ऑफ एन जीरो. फिर ये यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो व्हाट यू विल गेट इज नेचुरल लॉग ऑफ एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन जीरो. इसको शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन जीरो इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. देयरफॉर यू विल हैव नेचुरल लॉग ऑफ एन अपॉन एन जीरो क्योंकि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी माइनस लैम्डा टी. अगर आपको लॉग हटाना है तो आपको एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा और आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग दे आर अपोजिट ऑपरेशंस. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ई और एल एन
they have cancelled out each other, and on the right hand side you have minus e raised to minus lambda t. Therefore, n equal to n zero e raised to minus lambda t. This is law of radioactive decay. Decay क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि e raised to minus ये आपको बता रहा है that quantity of radioactive substance is decreasing exponentially with time. और it depends on initial quantity. ये अगर इसको आप graphically plot करोगे तो here onwards will be today's part. क्योंकि हमने graphical plotting इसका रेखा नहीं था, तो I'll just tell you now. If you plot this against time, if you plot number of radioactive nuclei against time, तो initial quantity मतलब time t equal to zero पे. तो अगर time zero है तो वो point y axis पे आएगा. जैसे x zero is nothing but y axis. तो मान लेते हैं कि initial quantity was n zero. With time it is decreasing exponentially, right? ये graph सही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइम एक्सिस को इंफिनिटी पे टच करता है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करवा दिया. दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ देते हैं, एक तो ये ग्राफ देंगे और दूसरा आपको ऐसा ग्राफ देंगे, देन यू गेट कंफ्यूज कौन सा सही है. वो तो नेचर सेम, दोनों का नेचर सेम है, लेकिन रिमेम्बर एक्सपोनेंशियल डीके में क्वांटिटी जीरो हमेशा इंफिनाइट टाइम पे होती है. How come? Of course, logically, if you put t equal to infinity, डाल के देखो यहाँ पे e raised to minus infinity. What is e raised to minus infinity? 1 upon e raised to infinity. मतलब e raised to minus infinity 1 upon e raised to infinity. E की वैल्यू 2.718. उस raised to infinity is infinity. 1 upon infinity is, तो ये जीरो कब होगा? जब टाइम इंफिनिटी होगा तब. तो n इक्वल टू जीरो कब होगा? मतलब एट इनफिनाइट टाइम. मतलब थियोरेटिकली कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी इंस्टेंट कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मिलते रहेगा आपको, बिकॉज इट बिकम्स जीरो. क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम जीरो ओनली एट इनफिनाइट टाइम. तो दिस इज द नेचर ऑफ दैट कर्व. इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ह्यूमन ग्रोथ. यू नो ह्यूमन ग्रोथ. Human growth is what? Exponentially increasing. We are like this. ये तो हमारे केस में ये प्लस आता है. No, that is reality. This is basically I am talking science here. So this is plus for us. तो इतना पता होना चाहिए. Now हमने ये जो डीके लॉ से स्टार्ट किया था उसमें जो डीके कॉन्स्टेंट आया है, ऑफ कोर्स इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन इसको डिफाइन भी करना है. तो अब डीके लॉ को, डीके कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे. लेट अस डिफाइन डीके कांस्टेंट. और बहुत इजी डेफिनेशन है इसका, यू कैन डिफाइन इट वेरी इजीली. तो व्हाट वी नो इज, वी नो दैट व्हाट वी नो ऑलरेडी इज फ्रॉम डीके लॉ एन या फिर dN by dt. मतलब व्हाट इज dN by dt? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा n. देयरफॉर आई कैन राइट डाउन लैम्ब्डा इक्वल टू माइनस dN by dt अपॉन n, राइट? तो बन गया इसका डेफिनेशन. तो डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट इज dN by dt? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ nuclei disintegrating per unit time to that of number of nuclei present at that time, at that instant of time. क्योंकि अगर मैं n zero आता है यहाँ पे, तो फिर हम बोलते it is a ratio of rate of decay to that of initial quantity. लेकिन initial कहाँ आएंगे? तो यहाँ पे n आता है. So how do you define this? Simple. Therefore डीके और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डीके और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
इसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या तो आप बोल सकते हो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू दैट ऑफ क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम और एट दैट टाइम लिखना जरूरी भी है क्योंकि विच टाइम ये कम होते जाएगा हमको ऑलरेडी पता है, राइट right? ये हो गया डेफिनेशन वन। इसको डिफाइन करने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, ऑल्टरनेट तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो वी नो दैट, हमको ये भी पता है कि n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 बाई टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस, लेट अस चेक, लेट लैम्डा इज 1 बाई टी, पुट इट हियर, देयरफॉर n इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस 1 बाई टी इंटू टी 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 कैंसल, तो ये मिल जाएगा n0 e रेस टू माइनस 1, therefore n equal to n0 upon e, और आपको पता है कि e की वैल्यू होती है 2.718, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, जैसे पाई कांस्टेंट है e भी कांस्टेंट है, एंड 1 अपॉन 2.718 इज 0.37, इट इज 0.369 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 0.37। कैसे, व्हाट इज 1 बाई 3, 0.33, 1 by 3 is 0.33, what is 1 by 2, 0.5, हमारा यहाँ पे exactly 2 और 3 के बीच में है, तो हमारा reciprocal जो आएगा वो 0.33 और 0.5 के बीच में आएगा, तो मैंने 0.37 लिखा है, correct है, this is right, तो 0.37, इसको अगर आप percentage में लिखोगे, तो also you can write down in terms of percentage, therefore n is 37%, क्योंकि percentage में लिखना मतलब क्या करना, multiply by 100 करना, गुड, 37%। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, अगर मैंने डीके कांस्टेंट को 1 बाय टाइम लिया, 1 बाय टी लिया, तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में n0 वाज इनिशियल क्वांटिटी, 37% ऑफ इनिशियल, मतलब कितना लेफ्ट है, 37%, कितना डीके हो गया, 63%, राइट, तो आप डीके कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ time in which the number of nuclei remaining is 37% of the original, ऐसा भी define कर सकते हो, सिर्फ wording थोड़ा से आपको संभाल के use करने पड़ेंगे, तो I am telling you again, lambda अगर आपने 1 upon time लिया, तो इतने time में क्या हो रहा है, इतने time में ये हो रहा है कि original का 37% ही बचा, 63% decay हो गया, तो यू कैन also टॉक इन टर्म्स ऑफ कितना क्वांटिटी रिमेनिंग है या कितना डीके हो गया है, तो आप बोल सकते हो अल्टरनेटिवली डीके कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, क्योंकि हमने टाइम का रेसिप्रोकल लिया है वहां पे, लैम्डा इज 1 बाई टी, एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 37%, राइट, डिकेज टू 37%, मतलब लेफ्ट ओवर इज 37%, कितना परसेंट डीके हुआ, 63, राइट, डीकेज टू मतलब 37 बचा है, राइट, अगर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा तो लिख सकते हो आप ऐसा भी, डीके कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट ओवर इज 37%, ऐसा भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, इज द सेम थिंग, गुड, तो डीके कांस्टेंट हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिया, एक
हाँ वेल बाय द वे, ये डीएन बाय डीटी को आप रेट ऑफ डीके भी बोलते हो, आप इसको बोलते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, या फिर इसको एक्टिविटी ऑफ द सैंपल भी बोलते हैं। तो दिस लैम्बडा इज नॉट वेवलेंथ हियर, दिस इज डीके कांस्टेंट, इज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू दैट ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। गुड, नाउ वी नीड टू डिफाइन वन मोर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ या फिर हाफ लाइफ टाइम, डिनोटेड बाय टी हाफ। तो द आइडिया हियर इज, मान लेते हैं आई हैव सम क्वांटिटी एन एन नॉट, मेरे पास कुछ इनिशियल एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। अब ये जो एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसको एग्जैक्टली हाफ होने में कितना टाइम लगा, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। एग्जैक्टली हाफ होने में मतलब हाफ जो है वो डॉटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो हाफ बचे हुए हैं वो स्टिल दे आर ऑफ द ओरिजिनल टाइप। सो द टाइम टेकन बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं समटाइम्स। सो द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल अमाउंट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। अब हमको चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो व्हाट विल यू डू? सिंपल, यू हैव टू ऑलवेज यूज रेडियो एक्टिव डी के लॉ। तो वी नो दैट एन इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैमड़ा टी, राइट। अब हमने क्या बोला कि टी हाफ में, हाफ लाइफ में अगर इनिशियल क्वांटिटी एन जीरो था तो फाइनल क्वांटिटी कितना बचेगा, एन जीरो बाय टू। मतलब आफ्टर टी इक्वल टू टी हाफ या एट टी इक्वल टू टी हाफ, क्वांटिटी रिमेनिंग इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल। हाफ हो गया ना, पहले एन जीरो था, टी हाफ के बाद क्या हुआ, हाफ हो गया, बाकी हाफ कहाँ गया, डॉटर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ या आफ्टर टी इक्वल टू टी हाफ इज द सेम थिंग, एट टी इक्वल टू टी हाफ यू हैव एन इक्वल टू एन जीरो बाय टू, सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर। देयरफॉर एन जीरो बाय टू इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी की जगह पे लिखोगे टी हाफ, कैंसल एंड कैंसल, ई रेस टू माइनस है तो वो नीचे आके प्लस होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज देयरफॉर 1 बाय 2 इज 1 अपॉन ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ, राइट, करेक्ट। ऊपर दोनों 1 1 तो डिनोमिनेटर विल बी सेम, देयरफॉर ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ इक्वल टू 2। अगर आपको एक्सपोनेंशियल हटाना है तो क्या करना पड़ता है, नेचुरल लॉग। सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, यू हैव ऑफ कोर्स ln और e, ये कैंसल आउट होगा, मैं बाद में कैंसल आउट कर दूंगा इसको, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये दोनों गए तो यहां से भी गए, गुड, राइट। नाउ देयरफॉर यू हैव टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय लैम्बडा, बट यू नो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.693, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग मतलब टू द बेस ई, और टू द बेस 10 आता है 2.303, राइट। तो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, लॉग टू द बेस 10, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इज 2.303, whereas log of 2 to the base e, which is natural log, it is 0.693। तो ये आ गया आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम।
हाफ लाइफ टाइम यू हैव टू फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ डीके कॉन्स्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ टू. क्लियर? यहां तक क्लियर? तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डीके कॉन्स्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच 37% इज लेफ्ट ओवर. हाफ लाइफ टाइम इज द टाइम इन विच हाफ इज लेफ्ट ओवर, मतलब हाफ डीके हो गया. करेक्ट? अब हम डिफाइन करेंगे मीन लाइफ टाइम. मीन मतलब एवरेज. सो वील नाउ डिफाइन वॉट इज एवरेज लाइफ. मीन लाइफ, मीन और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो अभी थोड़ा ये समझने में कंफ्यूजन होता है, तो आई विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. और ये एग्जाम्पल आप सबको समझ में आएगा, वैसा एग्जाम्पल लेते हैं. वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ये टाइमलाइन है. तो दिस इज टाइमलाइन, मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेज. टाइम मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ डेज. मान लो आपके घर पे एक छोटा बच्चा है और आप उसके लिए 3 खिलौने लेके आए. और बच्चा तो बच्चा है, उसका तो काम ही है तोड़फोड़ करना, राइट? तो आप आज लेके आए, एक दिन के बाद आज आप लेके आए और एक दिन के बाद व्हाट यू सी इज कि उसने एक दिन के बाद एक टॉय को तोड़ दिया. मतलब टॉय वन का लाइफ हो गया वन डे. देन यू सी कि 3 दिन के बाद उसने दूसरा तोड़ दिया. तो आफ्टर थर्ड डे, ऑन द थर्ड डे वन मोर इज गॉन, राइट? तो दूसरे टॉय का लाइफ टाइम हो गया 3 डेज. और फोर्थ डे पे यू सी नन इज लेफ्ट ओवर, सारे के सारे खत्म. तो थर्ड टॉय का लाइफ टाइम हो गया 4 दिन. नाउ वी नो फर्स्ट टॉय का लाइफ टाइम है 1 डे, दूसरे का है 3 डे और तीसरे का है 4. बट इफ आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ टॉय इन माई हाउस, एवरेज लाइफ 1+3+4/3. 1 क्योंकि पहला टॉय का लाइफ टाइम था 1 डे, दूसरे का था 3 दिन, तीसरे का था 4 दिन. 8/3, 2.66 roughly. Exactly this is how average human life is calculated. Life expectancy हमारा कितना है अभी? 65-70 होगा, right? Mostly I think around 65, जो भी है, right? So average lifetime, इसका average lifetime का इस example से क्या relation है? So there is a relation. How? So what you will see here is, in case of radioactive substance, as you know, इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास N0 था, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वी हैड N0. देन व्हाट इज हैपनिंग विद टाइम देर आर सम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच आर डीकेइंग. को आप ऐसा मान सकते हो टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, जस्ट लाइक टॉयज ब्रेकिंग, देर ऑल्सो ब्रेकिंग, राइट? एंड after some time again more radioactive elements have disintegrated, right? Again after some time few more will disintegrate. Iska matlab ek substance mein jitne bhi radioactive nuclei hai, they have a lifetime somewhere from 0 to infinity. Jaise toy ka ek din se 4 din tak tha, yahan pe 0, why 0? For example, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं. मान लो ऑन एन एवरेज, राइट, हमने एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया जिसका हाफ लाइफ है, लेट अस से 10,000 ईयर्स. होता है ऐसे भी, होते हैं 10,000 ईयर्स उनका लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ होता है, राइट? गुड. तो जब मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, तो एग्जैक्टली जब मैंने लिया तब उसको 10,000 साल पूरे हो गए, मतलब अभी आधे उसमें से जाएंगे. बट कैलकुलेशन तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे लिए तो वो आधे अभी के अभी गए, राइट? मतलब वो एलिमेंट्स, उसका लाइफ टाइम कितना रहा मेरे लिए? 0, राइट? करेक्ट.
फिर कुछ ऐसे भी जो होंगे जो 10,000 साल से कुछ मिनट पहले बने होंगे या कुछ मिनट बाद में बने होंगे लेटेस्ट से, राइट। तो इसका मतलब अगले कुछ मिनट्स में और जाएंगे, फिर अगले कुछ मिनट्स में और डिके होगा, फिर अगले कुछ मिनट्स में और डिके, ऐसा कंटिन्यूअसली डिके चलता रहेगा। तो ऑन एन एवरेज, मतलब बेसिकली एवरेज की बाद में बात करता हूं, बट जस्ट टू से कि एक सैंपल में जितने भी आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसका लाइफ टाइम वेरी करता है, कहां से, जीरो से। जीरो से कब तक, इंफिनिटी तक। और ये ग्राफ भी आपको वही बता रहा है कि क्वांटिटी तो जीरो इंफिनिटी पे होने वाला है, मतलब लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एज लॉन्ग एज इंफिनिटी। गुड, तो अब हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज मीन और एवरेज लाइफ, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि हम लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल ही नहीं सकते। आप हाफ लाइफ की बात कर सकते हो, यस यू कैन से कि 100 ग्राम था, 50 ग्राम होने में इतना टाइम लग गया, फाइन ओके, बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट लाइफ टाइम। व्हाई, जीरो से इंफिनिटी, यू कैन नॉट कीप ऑन वेटिंग। हाँ, अब भी खत्म होगा, अब भी खत्म होगा, तुम खत्म हो जाओगे, वो खत्म नहीं होगा, राइट। गुड, तो एनीवेज, तो दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट मीन लाइफ। तो पहले तो ये समझना जरूरी था कि मीन लाइफ या एवरेज लाइफ डिफाइन ही क्यों किया, क्योंकि इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सम एलिमेंट्स हैव जीरो लाइफ, सम हैव इंफिनिटी लाइफ। तो द रेंज ऑफ लाइफ टाइम इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। नाउ द पॉइंट इज हाउ डू यू डिफाइन एवरेज लाइफ, और वी हैव ऑलरेडी वेंट थ्रू हाउ डू यू डिफाइन मीन वैल्यूज। तो अगर आप नंबर्स का मीन ले रहे हो, जैसे अभी बताया मैंने 1, 3 एंड 4, तो व्हाट यू डू इज 1 + 3 + 4/3, राइट। अगर नंबर्स का मीन लिया तो हमने और एक टाइप का मीन लिया था, रिमेम्बर हमने मीन वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट अगर आपको करना है तो ओके फाइन, तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। आई विल टेक अगेन द सेम ग्राफ, सो लेट मी टेक दिस ग्राफ, और इस ग्राफ से हम मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो लेट अस टेक दिस ग्राफ फ्रॉम हियर एंड लेट अस पुट इट ओवर हियर। अब टू डिफाइन मीन लाइफ, मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे आई विल टेक सम वैल्यू। ओके, तो मैं एक वैल्यू लेता हूं, सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, उस टाइम पे क्वांटिटी कितना है, लेट अस से एन, एन क्वांटिटी है। तो एट टाइम टी क्वांटिटी इज एन, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो क्वांटिटी इज एन जीरो, तो क्वांटिटी इज एन जीरो, इनिशियल क्वांटिटी। एट टाइम टी इट इज एन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इस टाइम टी के थोड़ा बाद, मतलब डी टी आफ्टर डी टी टाइम, इफ आई टेक शॉर्ट इंटरवल, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये टाइम आ जाएगा टी प्लस डी टी, क्योंकि टी और यहां तक ये स्मॉल टाइम इंटरवल है डी टी। तो अब जैसे 2 और 2.1, हाउ डू राइट डाउन 2.1, 2 + 0.1, तो ये 2, 2 + 0.1, तो डी टी इज 0.1। तो अब आपको ग्राफ से ही दिख रहा है, यू कैन सी फ्रॉम ग्राफ कि स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में नंबर कम हो गया, कितने से कम हो गया, डीएन से कम हो गया, मतलब ये जो आपका इंटरवल है इसमें कितना डीके हो गया, डीएन डीके हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, एन माइनस डीएन। तो टी प्लस डी टी करोगे तो नंबर एन से एन माइनस डीएन हो जाएगा, एन माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है, डीके है। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करोगे तो एन प्लस डीएन होगा। गुड, क्लियर, फाइन। अब नाउ इफ यू वांट टू नो कि ये डीएन न्यूक्लियाई कितना टाइम जिए, हाउ, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ दिस डीएन न्यूक्लियाई, तो कैसे फाइंड करोगे, यू विल से टी डीएन, राइट। व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ डीएन न्यूक्लियाई, इट इज टी डीएन। कैसे, बताता हूं, आई विल कम बैक टू दैट, आई ऑल्सो कम बैक टू दैट। उससे पहले नहीं, वेट अ मिनट, यू विल कम टू नो हाउ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन इजी है, डोंट वरी। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू डिफाइन मीन और एवरेज, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को नंबर का एवरेज पता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन जितना नंबर है उतना, बट फिजिकल क्वांटिटी का मीन डिफाइन करने का है तो गड़बड़ हो जाती है। तो हाउ डू यू डिफाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिफाइन मीन लाइफ, एंड मीन लाइफ को मैं डिनोट करूंगा टाउ से। सो टाउ इज टोटल लाइफ
total life of all the nuclei upon total number of initial nuclei या फिर total initial quantity, total number of initial nuclei. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मीन डिफाइन करते वक्त क्या करते हो, डिवाइड बाय क्या करते हो, टोटल नंबर. इसलिए नीचे क्या आया, टोटल नंबर. कौन सा नंबर? इनिशियल नंबर, राइट. क्योंकि इनिशियल का क्या था हमारे पास, एन जीरो था. लुक, टी इक्वल टू जीरो पे क्या था, एन जीरो था. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर. अब टोटल लाइफ हम फाइंड ही नहीं कर सकते. अभी भी बताया क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अभी डीके होगा, कोई इंफिनिटी पे होगा. इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं ठीक है अभी पूरा नहीं देख सकते तो छोटे इंटरवल में देख लो. तो इन स्मॉल इंटरवल डीटी व्हाट इज हैपनिंग, डीएन इज डीकेइंग. क्योंकि पहले एन था और डीटी के बाद कितना रह गया, एन माइनस डीएन, राइट. तो ऑन एन एवरेज ये जो डीएन है इनका लाइफ टाइम कितना, टाइम इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर डीकेइंग. तो फ्रॉम दिस ग्राफ you understand and you need to know, you need to check this with values. So, कुछ value डाल के देखना, 2 or 2.1 for example. यहाँ पे समझ लो, पहले 1000 थे, अब यहाँ पे 990 बचे. मतलब 0.1 second में कितने गए, 10. तो DN कितना आया, 10. बराबर. तो ये जो 10 है इसका life कितना था, 2 तो था ही ना, क्योंकि 2 second तक तो survive किए थे. Is it? Right? 2 तो था, मिनिमम था. उसके बाद 2 से 2.1 में हमको नहीं पता कि वो 2 पे गया कि 2.001 पे गया कि 2.002 पे गया कि 2.003 पे गया. We don't know. इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो DN न्यूक्लियर है इसका लाइफ कितना, टाइम जो भी इनिशियल टाइम था वो मल्टीप्लाइड बाय DN. क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लिया है आपने. आई अंडरस्टैंड आपके इसमें कंफ्यूजन होगा कि टी क्यों लिया, फिर टी प्लस डी टी क्यों नहीं लिया. ये छोटा टाइम है, इट्स वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट. तो हम बोलते हैं कि चलो स्मॉल टाइम इंटरवल है, फिर दो दो क्या और 2.1 क्या, क्योंकि यहाँ पे हजारों साल का होता है इनका हाफ लाइफ, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के सामने सेकेंड्स क्या ही है, नथिंग, राइट. तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ये जो आपके पास डीएन क्वांटिटी है उसका टाइम कितना रहा होगा, लाइफ टाइम कितना रहा होगा, इट इज नथिंग बट टी डी एन, राइट. सो हमें फाइंड करना था टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई पूरे के पूरे सैंपल में. हमने फिलहाल फाइंड कर लिया डी एन का लाइफ. सो वी नो दैट Lifetime of DN nuclei is kitna T into DN, right? Good. But do you know N is equal to N0 e raised to minus lambda T, taking derivative on both sides. So DN by DT equal to N0 e raised to minus lambda T. फिर इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस लैमड़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए e raised to f of t का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. e raised to f of t का डेरिवेटिव होता है e raised to f of t into derivative of f of t. हमारे केस में f of t है माइनस लैमड़ा t. तो यू विल पुट माइनस लैमड़ा t हियर, also you will put minus lambda t here and also you will take derivative of minus lambda t. isme se minus lambda constant hai bar, dt by dt is 1. so minus lambda e raised to minus lambda t aur n0 to pehle se tha. clear yahan tak? good. therefore what you get is dn equal to minus lambda n0 e raised to minus lambda t dt. sirf dt ko wahan shift kar diya, right. good. hame lifetime kiska chahiye tha, total ka. humne kiska nikala, dn ka, right.
लेकिन टोटल टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट। कहां से करोगे, जीरो से। कहां तक करोगे, इंफिनिटी। देयरफॉर टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई इज इंटीग्रेशन टी डी एन। मैं काम करूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं काम करूंगा, मैं इसको मॉड ऑफ डी एन मान लूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ आपको इतना ही बता रहा है ना कि क्वांटिटी कम हो रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन, है ना। ये क्या बता रहा है आपको, क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट। तो हम मॉड ले लेंगे क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि डीके हो रहा है, इसलिए तो लाइफ टाइम फाइंड कर रहे हैं डीके हो रहा है। तो नाउ इंटीग्रेशन टी मॉड ऑफ डी एन इज लैम्ब्डा एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्ब्डा टी डी टी। गुड, अब दिस वी विल सब्स्टिट्यूट देयर इन इक्वेशन नंबर वन। सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन, राइट। डालेंगे ना, ऑफकोर्स लिमिट्स बाकी है हमारे, लिमिट्स इज जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, डोंट वरी, क्योंकि लिमिट्स तो यहां पर करना ही था अपने को। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो इक्वेशन नंबर टू, देयरफॉर टाउ विच इज एवरेज लाइफ, दैट इज टोटल लाइफ, टोटल लाइफ इज इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी टी लैम्ब्डा एन जीरो ई रेज टू माइनस लैम्ब्डा टी डी टी। गुड, नाउ अपॉन क्या था, टोटल इनिशियल क्वांटिटी विच वॉज एन जीरो। एन जीरो तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो एन जीरो बाहर आएगा और बाहर आके कैंसिल होगा, उसके बाद लैम्ब्डा बाहर आएगा क्योंकि लैम्ब्डा तो वैसे भी डीके कॉन्स्टेंट है, डीके कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही होता है, तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू लैम्ब्डा आ गया बाहर। अंदर बचा जीरो टू इंफिनिटी टी रेज टू टी इन टू ई रेज टू माइनस लैम्ब्डा टी डी टी, राइट। अब आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे डेरिवेटिव करते हो यू इंटू वी का, वैसे इंटीग्रेशन होता है यू इंटू वी का। तो अभी यू इंटू वी का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लियाट फॉर्म, लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्राइक। व्हाई, बिकॉज़ यू सी देयर इज अ फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला व्हिच यू विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करना होता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दो आपके पास फंक्शंस है यू एंड वी, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेट अस से एक्स पे या टाइम पे इंटीग्रेशन करना है, लेट अस से। अब ऐसा है, इसका फॉर्मूला है, यू नो यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, यू का डबल इंटीग्रेशन v dt और डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा लिखते हो, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने u को पहले बाहर रखा, राइट, गो एंड चेक दिस फॉर्मूला, डोंट वरी, गो एंड चेक इट आउट, वैसे भी दैट इज समथिंग आई विल पुट ऑन यू फॉर सॉल्विंग दिस। गुड, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू बेसिक्स, प्रॉब्लम क्या है, एक फॉर्मूला है, there's one formula to solve by parts. अब problem ये है कि मैंने क्या बोला, पहले function को constant रखो, अब पहला function तो v भी लिख सकते थे, तो उसके लिए rule है, logarithmic inverse trigonometric algebraic trigonometric exponential, left से right जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो t पहले आया था, T तो अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक है ना, T raise to 1 is अलजेब्राइक, T raise to 2 is अलजेब्राइक, right? और exponential बाद में आया, तो exponential बाद में लिखा जाएगा, मतलब ये बन जाएगा U, ये बन जाएगा V। तो अब ये लियाट फॉर्म और ये integration by parts, ये दोनों रूल आपको यूज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो पहले तो इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, गुड, राइट। तो वो आप करो या मत करो, आई विल टेल यू डायरेक्टली आंसर। तो द थिंग इज, इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज एंड व्हाट यू शुड गेट इज, एंड यू शुड डू दिस एज एन असाइनमेंट
tau equal to lambda, ये आता है 1 by lambda square. तो ये और ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट, एक लैम्ब्डा और एक लैम्ब्डा डिनोमिनेटर से गया कैंसल आउट, तो व्हाट यू हैव इज 1 बाय डीके कांस्टेंट. तो मीन लाइफ इज डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट ऑफ द सैंपल. सो एवरेज और मीन लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कॉन्स्टेंट ऑफ द सैंपल डीके कॉन्स्टेंट. एंड ये सब डिराइव करने से पहले जो डेफिनेशन था वो भी लिख लो. एवरेज लाइफ और मीन लाइफ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, टोटल इनिशियल न्यूक्लियाई प्रेजेंट. तो वैसे भी लिख सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट हियर. एवरेज लाइफ और मीन लाइफ मैं डायरेक्टली मीन लाइफ बोलूंगा क्योंकि इसको नॉर्मली मीन लाइफ ही बोलते हैं. तो मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियाई की लाइफ टाइम की बात हो ही नहीं सकती. तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई टू दैट ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल अमाउंट भी बोल सकते हो. So this is how you can define. So extremely simple, little confusing, but then you have to somewhere know little bit of mathematics. कि क्यों हमने यहाँ पे हमने ये T, D and Q लिया, ये समझना थोड़ा difficult है, but mathematics पता होगा तो then it is easy. क्योंकि हमने बोला कि T instance पे N थे, T plus DT पे N minus DN है, मतलब DT time में DN गया. तो डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितना जिया, कम से कम टी टाइम जिया, और डीटी छोड़ दो, बट यू से दैट एटलीस्ट मिनिमम कितना लाइफ था उसका, टी था. तो डीएन का मिनिमम लाइफ कितना था, टी. तो टी इंटू डीएन इज द टोटल लाइफ ऑफ डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लिया, राइट. तो आप टी प्लस डी टी इंटू डीएन करोगे तो फायदा नहीं है, ओके, बिकॉज यू डोंट नो ना कि वो डीएन, मान लो 20 गए डीटी टाइम में, 20 गए, हमको क्या पता पहले कौन सा गया. No, we don't know. That is why we say, okay, fine, just TDN to first approximation is correct, fine. But N is this, N0 e raised to minus lambda T, derivative le liya, DN mil gaya. So, ab total jab nikalna hoga, to TDN, lekin time kahan se start hona chahiye? 0 to infinity. Kyunki hum total DK ki baat kar rahe hain, DN ki nahi. Ab total ke, total kahan se kahan tak DK hoga, 0 se infinity tak solve karte jao, then put this value in definition of tau, mean life, and then solve integration, and then you get tau equal to 1 by lambda, which is reciprocal of decay constant. So that's the end of theory part.